राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत बंद को लेकर चतरा में प्रदर्शन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर घोषित भारत बंद को लेकर चतरा में प्रदर्शन किया गया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा व अन्य सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं मंगलवार की सुबह विकास भवन चौक पर प्रदर्शन किया। मांगों में ओबीसी को 52% आरक्षण लागू करने, केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, मजदूरों के खिलाफ बनाए गए नए श्रम कानून को वापस करने, ईवीएम बंद करने, एनआरसी के विरोध में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने, एससी एसटी ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति बहाल करने आदि मुद्दे शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने विकास भवन चौक पर एक घंटा प्रदर्शन किया। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धनेश्वर यादव ने कहा कि वर्तमान केंद्र ओबीसी वर्ग के साथ धोखा कर रही है। जाति आधारित जनगणना नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंभा रोश यादव ने कहा कि किसानों उचित मूल्य के लिए एमएसपी लागू करें। 29 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में ईवीएम हटाओ देश बचाओ, 52% ओबीसी की मांग आरक्षण के तहत और एसटी एससी ओबीसी की छात्रों का छात्रवृत्ति देने संबंधित मांग के समर्थन में और निजी क्षेत्र में 75% एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में हम लोग आज भारत बंद चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में चतरा भी बंद का समर्थन किए हैं और समर्थन के नेतृत्व के बाद डीसी के नाम ज्ञापन, महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है जिसमें चतरा भी शामिल है, समर्थन किए हैं हम लोग। झारखंड के लगभग सभी राज्य के सभी जिला में हम लोग बंदी है और सभी देख रहे हैं अब पीछे कि सभी लोग ग्रामीण सभी लोग जुड़े हुए हैं अपने मांगों के समर्थन में उतरे हुए रोड पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ धनेश्वर यादव, राय मोर्चा जिला अध्यक्ष।